सादा विरमनि सिखा पदं स्मादियामि जी 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 हाजिर कंसेप्ट 9 बज के सर आइए जी सभी आवाज आ रही है सर आवाज आ रही है क्या आ रही है सर आ रही है आपकी आवाज जी जी सभी साथियों को आज जो मीटिंग में जो उपस्थित हैं सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। कंसेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विद द पीपल का कंसेप्ट बहुत पुराना है लेकिन हम भूल गए हैं। अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि समण का अर्थ शाब्दिक लगा रहे थे, तो इस तरह के विस्मित हो चुके हैं जब 72 साल के हमारे साथी भूल गए हो जिस अवधारणा को, कि हमारी अवधारणा हम समण और बमण, हमारा संघ और एक संघ की चर्चा इतनी होती है, ये सामाजिक बिखराव का जो दंश झेल रहा है पूरा देश, उसमें सबसे बड़ी पीड़ा जो हो रही है वो हमारे देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ये बहुतायत में है, बहुसंख्यक हैं, तो इनके बिखराव का, सामाजिक बिखराव का ताना बाना इस तरह बिखर गया कि आज लोग अवसाद की श्रेणी में चले गए। अगर वो सामाजिक ताना बाना बना रहता उसके लिए हमारी पहले खाप पंचायतें होती थी, मतलब हमारे एक सामाजिक बंधन होते थे, लोग कहते थे हुक्का पानी बंद हो जाएगा, वो कोई ऐसा नियम ऐसा कानून नहीं था लेकिन बहुत बड़ा बंधन था। और हम या हमारी लीडरशिप करने वाले लोग अपने तुच्छ लोकप्रियता के लिए हमको बांटते चले गए। एक महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन समर्पित कर दिया केवल भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को, उनकी पीड़ा को समझते हुए उनके उद्धार के लिए उन्होंने जो बनाया था, इतनी जातियों में 7643 इतनी जातियों में बटे हुए समाज को 3 जगह बांट के ये अपेक्षा की थी कि आगे हम अपने रोटी बेटी का संबंध बनाते हुए एक रूपता कायम करते हैं, ये भी समाप्त करके हम केवल भारत के बहुजन समाज मूल निवासी हो जाएंगे। हमारा एक ही होगा वो समण समाज की, लेकिन उनके बनाए हुए गाइडलाइंस कहें या उन्होंने जो संविधान लिख के दिया, उस किताब को लोग किताब तक सीमित रख लिए और जो व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें अपनाई गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें एक वोट का अधिकार दे के मालिक बनाने की परिकल्पना थी बाबा साहब की, अब तक 1952 से लेके अब तक 18-19 चुनाव हो चुके हैं पार्लियामेंट के भी या असेंबली के, या हमें निचले स्तर पंचायत तक हमें व्यवस्था दी गई थी कि लोकतांत्रिक तरीके से हम मालिक रहेंगे, हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग मालिक रहेंगे, हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, वो हमारे सुख सुविधा, हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, हमारे हर कार्यों के लिए वो उत्तरदायी होंगे, वो हमारे लिए नीतियां बनाएंगे और क्रियान्वयन कराएंगे। लेकिन सने सने जो स्थित रही कि हमारे लीडर्स ही हमको बांटते गए, उसका जो हमें संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो तो बहुत दूर होती गई। एक और कि हमें धर्म के अलावा जातियां, उपजातियां, गोत्र इतने टुकड़े टुकड़े करते हुए हम इतने बट गए कि हमारे हिस्से में कुछ बचा नहीं। आज हर कोई, हर भारत का नागरिक ये सोचता है कि बस किस रूप में हम अपने पड़ोसी को, हम अपने भाई को, मतलब कभी किसी को आगे बढ़ने वाली बात, किसी को टांग खींचने वाली बात, उसको सहयोग न करने के लिए इन मूल्यों को, जो मानवीय मूल्य थे, उसको हम भूलते चले गए।
और 63 साल की उम्र में हमने बड़े सामाजिक संगठन, राज कर्मचारियों का संगठन, तमाम संगठनों में देखा। बस एक ही है, वहाँ वही चीजें होती है कि जहाँ नैतिकता का अभाव, मानवता का अभाव, बंधुता का अभाव, समरसता नहीं है, एक चीज है वैमनस्यता, द्वेष, ईर्ष्या और वो सारी बुराइयां जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को पीड़ित कर रही है। अब ये कॉन्सेप्ट जो विद द पीपल का कॉन्सेप्ट है कि हम इतने हजारों हजारों लाखों टुकड़े में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका विकल्प क्या है? हमारे साथियों में पहले जो मीटिंग में आते हैं उनको जिज्ञासा होती है कि हमें जोड़ने जुड़ने की एक ही बात होती है, जुड़ेंगे जोड़ेंगे क्या करेंगे? समस्याएं इतनी हैं, रोज हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। इतनी समस्याएं हैं कि हम समस्याओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और विकल्प आपका माइक बंद हो गया निरंकार जी, माइक बंद हो गया आपका। माइक खोलिए, अपना माइक बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। निरंकार जी बोलिए। जी जी यार, फोन करने वाले डिस्टर्ब करते हैं जी। तो हम कहने के हम समस्याओं से घिरे हैं और समस्याओं का निदान शॉर्टकट जाते हैं। वो समस्याएं जिसको हमने दीर्घ काल में सनह सनह करके पैदा किया और एक इतना बड़ा कि छोटी सी जो एक खरोह थी वो बढ़ते बढ़ते नाले का एक कहिए बहुत बड़ा गैप हो गया है जिसको पाटने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम सभी लोग, आपका फोन फिर आ गया यार, बहुत दुखी कर जी। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने जो हमारी संस्कृति थी, हमारा जो पूर्व, जिसको हमें हमारे सबसे पहले अगर किसी को, किसी समाज को, किसी को मिटाना होता है तो उसका इतिहास मिटाया जाता है, उसका कल्चर मिटाया जाता है, उसकी जो संस्कृति होती है वो मिटाई जाती है। तो जो कुछ भी था हमारे पास करीब 1000-1200 सालों के बीच में, उसको इस तरह से कन्वर्ट किया गया कि हमारे चाहे देवस्थान थे जहाँ भगवान बुद्ध जी की थी, उसको केवल माता जी के रूप दे दिया गया, चढ़ावा चढ़ने लगा, कहीं विष्णु का अवतार बना दिया गया। मतलब कुल मिला के हमारे लोग उनसे जो है प्रभावित होते होते हमारे डीएनए में शामिल हो गया। आज भी हम समण संघ की बात करते हैं, लेकिन वो संघ जो हमसे चुरा के ले गए वो आज हमारे किचन तक पहुंच गए। हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखें इसलिए नहीं खुलती कि मीठी मीठी बातें और झूठा दिखावा, अपनापन कहीं नहीं है। जिन्होंने संघ ज्वाइन किया होगा, जैसे मुझे 5-7 साल का अनुभव है, हमने ध्वज सलाम किया है, हम ध्वज प्रणाम किए हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसको बहुत पढ़ा और जाने के बाद वही देखा कि वहां वही होता है जो मस्जिद में होता है। मस्जिद के अंदर घुसने के बाद कोई जात पात न कोई समाज कुछ नहीं, सब एक ही होते हैं, सब अल्लाह के बंदे होते हैं। आरएसएस की बैठकों में जाने वाला न कोई एससी होता है, न कोई बीसी होता है, न कोई अगला होता है, न कोई पिछड़ा होता है। लेकिन जैसे वो कार्यक्रम समाप्त होता है तो सरनेम के साथ साथ उसके गोत्र अंत तक पूछा जाता है। तो कुल मिला के हमको इतना अंधभक्त, अंधविश्वासी बना दिया गया, पाखंडवादी बना दिया गया। और जोड़ने के लिए हमारे पास जो हमारे महापुरुष, हमारे महापुरुषों की वाणियां, उनके कृतित्व, तो उनके व्यक्तित्व जो थे उसको तोड़ा मोड़ा गया, हमसे दूर रखा गया और अपने उनके जो परिमार्जित संस्कृति थी उसको इस तरह से आडंबर के रूप 33 करोड़ लोग खड़ा कर दिया हमारे समाज को बांटने के लिए, अपने को अपनाने के लिए, उनके कल्चर को अपनाने के लिए। और हमारे लोग उसको
बड़े शिद्दत से, और ये सबको बड़े निसंकोच में कह सकता हूं कि ये हर परिवारों में, हर घर में अब भी वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। हमारा जो सिस्टम कल्चर अपना अपनाना चाहते हैं, हम बौद्ध रीति से विवाह शादी करने जाएंगे तो हमारे सामने झूठी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा आड़े आती है कि लोग क्या कहेंगे, ये कौन से कहाँ से हैं, कैसे हैं, जो नहीं जानते हमारी वो झूठा आवरण जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। जब तक हम अधिकारी हैं, जब तक हम किसी वहदे पे हैं, कोई नहीं पूछता कि इनकी जात क्या है। लेकिन जैसे ही बाहर वो हमारे साथी जो उच्च सेवा पर रहे, आज रिटायर होने के बाद समाज से नहीं जुड़े रहे, आज वो अकेले एकांत जीवन जी रहे हैं और नौकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम लोग गांव से जुड़े रहे, और जो गांव से जुड़े रहे, अपनी मिट्टी से जुड़े रहे, उनका प्यार सद्भाव भी बना हुआ है। वही सद्भाव कायम करने के लिए विधि पीपुल का प्रयास है कि हम भारत के लोग, हम भारत के मूल निवासी, हम अपने संस्कृति जो विलुप्त हो गई है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहें कठिन जरूर हैं, लेकिन हमारा भविष्य एक ही विकल्प होता है कि हम जुड़ेंगे। हम जुड़ेंगे तभी बचेंगे, अगर हम नहीं जुड़ते हैं और कोई जरिया नहीं है, और कोई संगठन, कोई दल बल सेना ये बनाते लोग चले जा रहे हैं और बनते रहेंगे और बिखरते रहेंगे और इसका दुरुपयोग होता रहेगा। तो आज समर संघ से जुड़ने के लिए जो प्रश्न उठाते हैं कि हम जुड़ेंगे तो करेंगे क्या, आप मालिक बनाया बाबा साहब ने आपको, एक वोट दे के मालिक बनाया कि आप जो चाहोगे वो सरकार करेगी, लेकिन आपने अपना प्रतिनिधि चुना नहीं, कहीं आपने नेता चुना, कहां किसी दल बल का जो आया नेता बन के उसको चुना। और आज भी स्थिति और विकराल है कि हमारे पढ़ाई सब कुछ मिला हमें, उस तरफ तो ध्यान, वो बहुत दूर की बात है जो सामाजिक न्याय की बात कह रहे थे, सामाजिक न्याय की बात तो दूर रही, सामाजिक हम अपना पशुओं वाला जीवन स्तर भी अपना नहीं जी पा रहे हैं, सामाजिक न्याय तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, शिक्षा है, पद है, वहदा है, लेकिन जो नहीं है वो सामाजिक न्याय। आज राष्ट्रपति मंदिर के सीढ़ी पे पूजा करता है, और आज से 100 साल पहले एक महामानव तालाब पर कब्जा किया, कुएं पर कब्जा किया, मंदिर पे पूजा, ये देख अपना स्वाभिमान जगाने के लिए, अपना सामाजिक न्याय दिखाने के लिए कि मेरा अधिकार है और हम इसको प्राप्त करेंगे। हमारे आपके बीच में स्वाभिमान जगाने के लिए जो कार्य किए गए हम उनको नहीं पढ़ते, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी जो 80-85 के बाद पैदा हुई है, वो जो ज्ञान है उसका अधकचरा ज्ञान जो मुझे चुप करा देता है, आपको चुप करा देता होगा, अगर वी दी पीपुल की बात करें, समर समाज की बात करें, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान की बहस करके मजबूर कर देगा कि आप चुप हो जाए, आप उसको सुनने को तैयार नहीं। बड़ी विडंबना तो ये है कि जिसको बनाया जाए तो वो खोजता है कि इसमें हमारा पद क्या होगा, वी दी पीपुल के साथ जुड़ेंगे इस संघ में हमारा ओहदा क्या होगा, हमें लोग जानेंगे कैसे। तो ये जो हमारा आवरण ओढ़े बैठे हम हैं, ये आवरण जब तक उतारेंगे नहीं, मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, हम स्पोक्स हैं, स्पोक्स के लिए बड़ा मांग रही कि कोई सी हमारी खुद की अपनी मेरी व्यक्तिगत मांग थी कि हमारे लोग बिना आचरण नियमावली के आचरण करना नहीं सीखेंगे, वो आचरण जबकि जो चीज लिखी हुई है, किताबों में लिखी है, उसको हम एक बार लिख के मोटा मोटा उसको प्रसारित किया गया, लेकिन हमारे मित्रों ने, हमारे जो 450 हमारे स्पोक्स हैं जिनको हम क्रीम कहते हैं, क्रीम छांटा हमने, उन्होंने भी नहीं पढ़ा कि ये हमने बनाया है, आपने पास किया सदन में, आपका सदन था, उस नियम को आपने बनाया, तो उसको तो आचरण करें, उसको फॉलो करें उसके अनुसार। और किसी को अगर हम बात करते हैं जुड़ने जोड़ने की, कैसे जोड़ेंगे, क्या है हमारे पास जोड़ने के लिए, एक ही फेविकोल है, एक ही एडहेसिव है, वो है प्यार, नम्रता, बंधुता, और इस आधार पर हम जोड़ सकते हैं, और इससे बड़ा कोई हमारे पास, वही मैं जैसे मैंने कह दिया
कि जो हमारे समाज में पहले होते थे बाबा दादा के समय, हुक्का पानी बंद कर देते थे, कोई गलत काम करता है, असामाजिक कृत करता है, कोई करता है, तो वो समर्थ समाज में जब जुड़ेंगे वो नैतिकता बस वो जानते होंगे कि हमको इस स्पोक्स पद से हटाया जाएगा तो समर्थ समाज में उसकी क्या स्थिति होगी वो समय बताएगा। तो समय ज्यादा, और मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट हूँ, साहित्य का जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ, मेरा अपना अनुभव कहता है कि हमने बड़े संगठनों को देखा, बहुत जगह भागीदारी किया, अपनी समय लगाई, ऊर्जा लिया, इनकलाब जिंदाबाद बोला, खूब नीला दुपट्टा ओढ़ के टहले रोड पर, प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य रहा कि पदोन्नत में आरक्षण चला गया, एक पायदान नीचे से रिटायर हो गया। तो ये सब दल हमने झेला, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, और एक कटु बात और बता दे, हमारे नेता और हमारे साथी रोज व्हाट्सएप पर किसको गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को, किसकी चर्चा करते हैं, मनुस्मृति की। अरे एक बार किसी को छोटा कह देने से हम बड़े नहीं होंगे। हमें बड़ा बनने के लिए कभी सोचा आपने कि हमारे परिवार का, हमारा भतीजा, हमारे मौसी का लड़का, हमारे भाई का लड़का, या कोई इसको हम टैलेंट है, इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, आगे चला जाए, आगे बढ़ा दें, उसमें ऊर्जा लगावें, न कि किसी को गाली देने में। हम अपने महापुरुषों के साहित्य की चर्चा करें, मनुस्मृति की चर्चा, मनुस्मृति ये लिखा है, जो लिखा हो लिखा रहे, हमसे क्यों उसकी चर्चा करते हैं। हम अपने अपने स्मृति की चर्चा करें, हमारे स्मृति कमी नहीं है, हमारे साहित्यों की कमी नहीं है, बहुत साहित्य हमारे भरे पड़े हैं, महापुरुषों के त्याग भरे पड़े हैं, उनकी जीवनी पड़ी पड़ी है। एक बात और कि हम अनुवाद की बात करते हैं, क्या अम्बेडकरवाद में सबसे बड़ा, इस पर क्यों नहीं गौर करते कि हम सबसे बड़ा जो मनुवाद है वो अम्बेडकरवादियों में मनुवाद है कि मैं चपरासी हूँ, मैं IAS हूँ, ये चपरासी है, ये फला है, ये ढेका है, मेरे पास बड़ा बंगला है, वो तो Type 3 में रहता है। ये भी क्यों नहीं सोचते हम कि जो तो हम जूता गठवाने जाते हैं तो वो भी अपना भाई बैठा, उससे हम बार्गेनिंग करते हैं, रिक्शा वाले से बार्गेनिंग करते हैं, ये कौन लोग होते हैं, होते तो अपने हैं। तो हम अपने ऊपर जो आवरण ओढ़े हुए हैं कि हम सर्जन हैं, अरे सर्जन हम ऑपरेशन थिएटर में हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर तो हम सर्जन नहीं है। तो अब जब बहुत ज्यादा समय ले लिया और मित्रों का, हमारी बातें कटु लगी हो तो वापस कर दें। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। AK सिंह साहब को प्रस्ताव रखे, इसके लिए आभार AK सिंह साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू, समझे के है। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चौधरी गंगाराम जी। चौधरी गंगाराम जी सुंदर, निरंकारी जी बहुत ही सुंदर। हाँ, मैं 5 मिनट, आप इन दिनों से जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप बताएं कि विदा पीपल, पूरे जीवन में आपने बहुत सारे संगठन देखे हैं, उससे कैसे अंतर है, सिर्फ 5 मिनट में बताएं, डिफरेंस बताएं लोगों को। विदा पीपल अन्य संगठनों से बहुत अलग इसलिए है कि सभी संगठनों में जो होता था वो इतना विरोधाभास है कि वहां एक तो लोगों में समानता नहीं थी। समानता मतलब ये है कि कोई बड़ा अध्यक्ष बना हुआ है तो कोई महामंत्री बना हुआ है तो कोई कोषा अध्यक्ष बना हुआ है, हमारे यहाँ इस चीज का कोई मतलब नहीं है। और हम सब लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही समान उसमें रहते हैं, कोई किसी को कुछ भी कोई बड़ा ना छोटा, यहाँ सब समानता। एक तो ये मूल अंतर है। जितने भी संगठन थे, मैं राजनीतिक पार्टियों में भी रहा हूँ, सामाजिक काम भी बहुत किया है, जितने भी हमारे संगठन आए, ये नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो इस तरह समानता के रूप में चलते, आगे बढ़ते तो और अच्छा काम होता। आज हम वी द पीपल में यही महसूस करते हैं कि यहाँ सबकी बात सुनी जाती है, सबको आगे बढ़ाने की बात है, वो अपने स्वयं कितना आगे बढ़ सकता है वो उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ यहाँ किसी भी तरह कोई भी किसी से अलग नहीं है, जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो
मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो कर्नाटक से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, वो सब समान रूप से एक दूसरे को देखते हैं। और जो कॉन्सेप्ट रोज आता है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि एक संघ का निर्माण हो रहा है, और संघ में कोई किसी का किसी भी तरह संघ जो है अंबेडकर सभी संघ के सदस्य हैं, जितने भी सवर्ण लोग हैं। सवर्ण भवन की जो यहाँ एक मैंने परिभाषा पहली बार देखी, मैं अपने को इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सवर्ण भवन जो एक थिंक आया, जो बाबा साहब ने भी जिसे SC ST OBC में वर्णित किया है संविधान में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको हम अगर आगे लेकर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संघ का एक मजबूत निर्माण हो। जी धन्यवाद। दरअसल जो यहाँ नए लोग आए हैं, जो आज जुड़े हैं, उनको थोड़ी जिज्ञासा रहेगी कि ये क्या है। यहाँ जो 151 लोग जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। 151 तो यहाँ है, पूरे देश में बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है समण का, ये हमारे बाप दादाओं का, दादा दादी, परदादा दादा दादी का है, और ये बुद्ध से भी पहले है। बुद्ध भी समण थे और समण संघ के ही मेंबर थे, वो भी संघी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि हम समणा हैं, समणी हैं और समण संघ के मेंबर हैं, ऐसा उन्होंने बुद्धायन धम्मा में कई बार कहा है। तो यहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं, पुराने सिस्टम से इकट्ठे होते हैं, जैसे 5 तारीख को अमरोहा में इकट्ठे हो रहे हैं, जो लोग उसके आसपास हैं या जो 100-200 किलोमीटर है वो आए, तो सब लोग अपना खाना लेके आते हैं। यहाँ कोई किसी पे बोझ नहीं बनता, कोई किसी का खाना नहीं खाता, कोई किसी के ऊपर यहाँ वजन नहीं डालता, ना ही यहाँ पैसे इकट्ठे होते हैं, ना ही यहाँ पैसे लिए जाते हैं। ये परिवार है, बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, और ये देश विदेश में पूरे में फैला हुआ है। सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये सारे के सारे जब मिलते हैं तो अपने प्यार मोहब्बत भाईचारे और मिलने की बात करते हैं। समण संघ कभी भी या संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाता और ना ही राजनीति में जाएगा। किसी व्यक्ति को जाना है तो वो जा सकता है। ये सारे लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, चाहे वो किसी भी जिले में है, चाहे वो देश में है, चाहे विदेश में है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यह हर व्यक्ति काम करता है, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है, अपना काम खुद करते हैं और लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। हर व्यक्ति 10 आदमी को जोड़ता है और उसमें लगातार लगा रहता है। हर व्यक्ति अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में चर्चा करता है कि ये जो लोग हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि ऑर्गेनाइज हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये बहुत तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ जो मीटिंग में लोग आते जाते हैं वो किसी पर बोझ नहीं बनते, वो अपने किराए से आते हैं, किराए से जाते हैं, और अगर किसी की कार में बैठ के आते भी हैं तो उस कार वाले को बराबर का पैसा, या पेट्रोल का पैसा, या डीजल का पैसा, या टोल का पैसा, जितने भी लोग होते हैं आपस में बांट के देते हैं। यहाँ सब लोग अपने बैनर बिल्ले सब अपने हाथ से बना के लाते हैं, हाथ से बना के लाना है, या फिर अगर कोई लेके आएगा तो उसका पैसा देंगे। यहाँ कोई नेता नहीं होता, यानी समण संघ में कोई भी व्यक्ति कभी जिंदगी में बढ़ ही नहीं सकता, कोई इसका नेता नहीं होगा। समण संघ का जो काम चलता है वो समण संघ आपस में बैठता है, जैसे पार्लियामेंट बैठती है और जैसे पहले बैठता था, कोई समस्या आती है उस पर बातचीत करते हैं। उसकी यहाँ सोमवार को बैठक होती है। इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक तो मेंबर पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो समण समाज में पैदा हुआ है वो इसका मेंबर है, और जो एक्टिव मेंबर होता है जिसको यहाँ स्पोक कहते हैं। आप कई नामों के आगे स्पोक दे देखेंगे, या बहुत सारे स्पोक हैं। स्पोक का मतलब है प्रवक्ता, प्रवक्ता का मतलब है जो हमारे ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, या गाडगे साहब, या सतनामी साहब, या दुर्बलनाथ महाराज, या भगवान बुद्ध, या जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए हैं उनके वक्ता, यानी उनको कहने वाले वक्ता को इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। यहाँ कोई पद और यहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, यहाँ कोई मंच माला माइक भी नहीं होती, सब आपस में बैठ के यहाँ बातचीत करते हैं, और यहाँ कोई VIP कल्चर नहीं होती, यानी यहाँ किसी को VIP नहीं बनाया जाता, ना ही किसी को ये कहा जाता है ये हमारे फलाने फलाने साहब हैं। यहाँ लोग अपनी पोजिशन को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पद को, अपने VIP कल्चर को बाहर रख के आते हैं, तब यहाँ आते हैं। यहाँ सारे समण हैं, यहाँ सभी समण साहब हैं, सभी समण के परिवार के लोग हैं, चाहे वो माँ के पेट में है, चाहे वो बूढ़ा आदमी है, चाहे वो जेल में सजा काट रहा है, वो सब समण संघ के सदस्य हैं। यहाँ कोई विरोध का काम नहीं होता, यानी इस विदा पीपल में हम किसी का कोई विरोध नहीं करते, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, जैसे बुद्ध अपना काम करते थे, जैसे बाबा साहब अपना काम करते थे, जैसे पेरियार साहब अपना काम करते हैं, जैसे जो ज्योतिबा फुले अपना काम करते हैं, वैसे ही अपना काम करते हैं।
यहाँ कोई जातिवाद नहीं होता, यहाँ कोई कुट नहीं होता, ये समण है। बुद्ध से पहले जो समण लोग थे और बुद्ध के बाद भी बहुत साल तक कहीं कोई जाति नहीं थी, ये वही सिस्टम है। सिर्फ समण है तो आप इसमें आ सकते हैं। जिसको ज्यादा काम करना है वो यहाँ अपना चैट बॉक्स में नाम दे दे, चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दे, या पोर्टल पे आके बता दे क्या है और क्या नहीं है। ये मीटिंग सही 10 बजे खत्म हो जाएगी, उससे पहले यहाँ एक कंसेप्ट बताया जाता है जो बाबा साहब का कंसेप्ट है, उसके बाद फिर लोगों के विचार लिए जाते हैं। जिंदगी अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें, फिर बोल दें। हाँ सर जी, हाँ आज का सर जो आपने वाक्य जो चुना है वो बताइए और उसके बारे में कुछ बताइए, और फिर लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा मौका दीजिए जो अपने विचार कहना चाहता है। आइए सर। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज बोलने का मौका दिया है। मैं बाबा साहब कल जो धम्मपद के बारे में बताया था, वैसे ही आज बाबा साहब का एक या दो सुविचार के बारे में मैं बात करूंगा, जो कि हमारे विद द पीपल के लिए आचरण करने के लिए सही है। 1927 के महार सत्याग्रह आंदोलन के बारे में हमें सभी को पता है। 19 मार्च और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया था। असल में वो पानी पीने के लिए सत्याग्रह था ही नहीं। बाबा साहब ने वहां पर कहा था कि ये हमारा सत्याग्रह जो है केवल पानी के लिए नहीं है, हम इंसान हैं और ये देश जो है हमें इंसान करके ट्रीट नहीं करता, मानता नहीं, इसीलिए हम पानी तो एक माध्यम चुना है हमने, क्योंकि पानी को छूने का अधिकार तक नहीं है, क्योंकि हम आपकी नजर में इंसान नहीं है। उस वक्त बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है, एक बाबा साहब का वक्तव्य जो बहुत ही ऐतिहासिक है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। और दूसरा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक बाबा साहब का सुविचार है, इन दो चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ के सत्याग्रह के वक्त में कहा था कि ये जो आंदोलन है ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच राज्य क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि ये मानवता के लिए हमारा संघर्ष है। उस वक्त बाबा साहब कहते हैं, जो कि मैं कोट कर रहा हूँ, बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ स्ट्रगल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, अवर स्ट्रगल इज फॉर फ्रीडम, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, अवर स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा संघर्ष ना ही संपत्ति के लिए है और ना ही सत्ता के लिए है, हमारा संघर्ष स्वतंत्रता के लिए है, हमारा संघर्ष हमारे सम्मान के लिए है, हमारा संघर्ष हमारी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए है। यही बात जो है बाबा साहब ने जो 1927 में कही थी, उसका ही जिक्र वो फिर बाद में जाके करीब 30-35 साल तक करते रहे, और उनका संघर्ष इन्हीं चीजों के लिए था। उनका हिंदू समाज के लिए चातुर्वर्ण्य का जो मानते थे वो कास्ट पीपल के लिए यही रहता था कि आप हमें इंसान करके ट्रीट ही नहीं करते, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, इसको आपको ट्रीट करना है। और उसी के लिए फिर उनका संघर्ष बना। भारत के संविधान में भी उन्होंने जब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय की बात रखी, इसी के लिए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। यही आज का एक सुविचार है। हम अगर विद पीपल में चाहते हैं, हमारा लक्ष्य कोई सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता तो जरूर प्राप्त होंगी, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए जो लोग चाहिए, जो कमिटेड लोग चाहिए, जो कि इकट्ठा हो, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के विचार को जाने और एक दूसरे के प्रति उनकी दृढ़ विश्वास हो उनका अपने आप के ऊपर, और वो चाहे किसी भी कीमत पर अपना ईगो बीच में नहीं लाए, अपना स्वार्थ बीच में नहीं लाए, और ना ही पैसा लेकर हमें और हमारे संगठन को या संघ को बदनाम करें। ऐसा समन संघ में जुड़े हुए, जो कि तथागत बुद्ध ने कहा था, ऐसे संघ के समन संघ के मेंबर के लिए ये बना हुआ संघ है। यही वी द पीपल में बाबा साहब का संदेश है, ये लेना चाहिए। दूसरा संदेश बाबा साहब ने जो 1935 में जो किताब लिखी थी बाबा साहब ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश, तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि हमारे संगठित होने के लिए क्या कौन सी चीज है जो हमें रोकती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जातियां जो है राष्ट्र विरोधी तत्व है, पहली नजर में ये समाज में अलगाव पैदा करती है, वह राष्ट्र विरोधी इसलिए भी है क्योंकि वह घृणा पैदा करती है।
एवं जाति जाति के बीच विद्वेष पैदा करती है। अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन मुश्किलों पर काबू पाना होगा। जब राष्ट्र है तो भाईचारा होना है। बिना भाईचारे समानता और स्वतंत्रता के राष्ट्र पेंट के एक परत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति के नींव पर तुम कुछ भी स्थापित नहीं कर सकते। तुम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते, तुम नैतिकता स्थापित नहीं कर सकते। जो भी कुछ तुम जाति के नींव पर तुम स्थापित करोगे वो टूट जाएगा। अगर हमें वी द पीपल के माध्यम से समन संघ तैयार करना है, समन संघ के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है, तो बाबा साहब ने जो बताया कि जाति जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल है, जो रुकावट है, उसको हमें दूर करना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान किया सम्मान का भाव रखना होगा, और हमारा जो लीडर है संविधान है, उस संविधान को मानना पड़ेगा। इसी माध्यम से बाबा साहब के इस सुविचार से हम लोग अगर विद पीपल में हमारी सोच रखते हैं तो आने वाले एक दो साल में हम इस भारत में एक अलग समाज का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे सुधीराज सिंह सर ने आज भी कहा है, कि बहुत सारे संगठन हमारे यहाँ करीब 28-29 लाख संगठन है, वो सिर्फ 6,743 जातियों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर भी पिछले 70 साल में हम जुड़े नहीं, फिर भी 70 साल में 3-3.5% लोग हमें बार बार तोड़ते हैं। हमें वो नहीं तोड़ते, हमें हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि हम ये जानते नहीं कि हमारा जुड़ाव किस माध्यम से है, हम कैसे जुड़ सकते हैं। अगर बाबा साहब के ये दो सुविचारों को हम तहे दिल से अगर मानते हैं और उसके ऊपर अगर हम आचरण करते हैं तो हमें विद पीपल के माध्यम से इस देश का निर्माण करेंगे, जिससे कि इस राष्ट्र का निर्माण होगा, और यही इस राष्ट्र के भविष्य के लिए सबसे बढ़िया तत्व है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय सनातन। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और आज का जो सुविचार है उसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूँ आपको। देखिए, बुद्ध ने जो काम किया, सिद्धार्थ गौतम ने जो काम किया, पैसा इकट्ठा नहीं किया और ना राजसत्ता इकट्ठी की। राजा उनके यहाँ आके उनके सामने नीचे बैठता था, जो प्रसन्नजीत आता था वो नीचे बैठता था उनके सामने आके, और उन्होंने जिंदगी में कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, मगर उन्होंने दुनिया का पहला और सबसे बड़ा संघ बनाया, समर संघ बनाया। और उसकी कामयाबी ये रही कि सम्राट अशोक ने महाभारत बना दिया उस संघ की बदौलत। तो जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं या पैसा मांगते हैं या जो लोग सत्ता की तरफ जाते हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, ये प्राकृतिक नियम है। क्योंकि उनको उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो आंख है, उनका जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो उद्देश्य है, जो उनकी चाहत है, वो सत्ता है और वो पैसा है, लोगों को इकट्ठा करने का नहीं है। दुनिया के इतिहास में जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए या जिन्होंने सत्ता इकट्ठी की, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई समूल परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन उन लोगों ने किया जो इकट्ठे हो गए। इसका उदाहरण ज्यादा दूर ना जाए, किसानों ने ना तो लोगों से पैसे मांगे और ना ही उन्होंने सत्ता मांगी कि हमको सत्ता बनना है या हमको चुनाव में लड़ना है, बल्कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मंच पे आने भी नहीं दिया और सत्ता उनके सामने झुक गई और उनकी जो बात मानी गई। ऐसे ही 2 अप्रैल 2018 को हम लोग ना तो हमने पैसे मांगे लोगों से 2 अप्रैल 2018 को, और ना ही हमने ये कहा कि हमारे MP MLA बनेंगे तो हमारा नियम है। हम सिर्फ सड़क पे आए, इकट्ठे हुए और जो संविधान है वो हमारे सामने नतमस्तक हुआ और सरकार ने हमारी बात को माना। तो संघ, जो महासंघ जो होता है, जो समर संघ होता है, जो पुराना हमारा है, इसकी ताकत लोगों में है। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने ये नहीं लिखा है कि रिच पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर लोग भारत के, ऐसा नहीं लिखा है। वी द पीपल, खाली लोग चाहिए, ना ही बाबा साहब ने ये लिखा है वी द MLA MP ऑफ इंडिया, यानी कि MP MLA राजनीतिक लोग भी नहीं चाहिए, खाली लोग चाहिए, कैसे भी हों, चाहे पढ़े हों, चाहे लिखे हों, चाहे बीमार हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, वी द पीपल चाहिए, लोग चाहिए। यही काम बुद्ध ने किया, यही काम संतों ने किया और यही काम बाबा साहब ने लिखा और बताया, और यही काम आज भी हो रहा है। किसानों का उदाहरण सबके सामने है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 3 दिन पुराना उदाहरण है। इस पर जो लोग अपने विचार कहना चाहें दे सकते हैं। अभी हमारे पास में आधा घंटा है, 10 बजे हम मीटिंग को बंद करेंगे, और कोई भाई अगर अपना, यहाँ 147 लोग हैं, कोई अपना परिचय देना चाहे, पहली बार आया हो, कुछ कहना चाहे, वो कह सकता है, हाथ उठाए या बीच में आ जाए।
बताएं सर। पवन मूल निवासी जी अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं बताएं सर। जी सर, पहली बात जय भीम जय मूल निवासी सर। जी सर, तिलक राज जी ने जोड़ा सर इस ग्रुप के साथ जी, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर हमारे इस ग्रुप में हम कैसे काम कर रहे हैं सर। ये आप मूल निवासी ग्रुप से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर। बावन मेसराम जी वाला? जी सर, मैं बामसेव का कार्यकर्ता हूँ सर दिल्ली से। जी सर। नहीं नहीं, बामसेव के कार्यकर्ता है बामसेव जो बावन मेसराम चलाते हैं वो, या बोरकर चलाते हैं वो, या ताराराम जी, कौन से वाले से? बावन मेसराम जी। जी जी सर। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि काम कैसे करता है? अच्छा, एक बावन मेसराम जी ग्रुप चलाते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट, वो तो आपको पता ही होगा। जी सर। हाँ जी। उस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट में भगवान बुद्ध से पहले ना एक व्यवस्था थी, वो कभी बताई है, कभी सुनी है आपने? नहीं सर। अगर आप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट में जो प्रोफेसर विलासराज खैरात हैं, अगर उनसे आप जानकारी लोगे जी, तो वो आपको बताएंगे। और अगर वो नहीं बताएंगे तो उनसे कहना कि एक बार वो देख लें कि जो भगवान बुद्ध थे, जब वो बुद्ध नहीं थे, खाली सिद्धार्थ गौतम थे, तो वो जिस कबीले में रहते थे कपिल वस्तु के, जो उनका साक्य कबीला था जी, साक्य कबीले में, और उसके अपोजिट जो कोलीय लोग रहते थे, और उसके बराबर में जो वज्जी और जो वैशाली में लोग रहते थे जी, ये सभी गण व्यवस्था में रहते थे और गण परिसर रहते थे, गण जिसको परिषद बोलते हैं, गण परिसर था उस समय, और उस पूरे सिस्टम को समण संघ बोलते थे, संघ बोलते थे बेसिकली। और वो जो लोग थे वो सब की पहचान समण थी, समण, तो वो सब समण थे। और बाद में जब कुछ बाहर के लोग आए तो उसको जो साहित्य है, जो अशोक के पत्थर है, उसमें उनको बम्मण कहा गया, बम्मण। तो पाली के अंदर पढ़े साहित्य में आधा रे नहीं होता, इसलिए उन्होंने बम्मण का बाद में ब्राह्मण किया या बम्मण किया, मगर ओरिजिनल जो शब्द है हमारा वो समण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 6,743 जातियों को खत्म करने के लिए तीन बड़े बड़ी पोटलियां बना दी थी, बांधी थी, जिनको हम SC ST OBC कहते हैं। और उन तीन SC ST OBC की जो पहचान तीनों की मिलके बननी थी, वो हमारी पुरानी पहचान थी जो बुद्ध से पहले समण थी। समण इसलिए थी क्योंकि समण संघ इसलिए था, अगर आपने बाबा साहब की किताब पढ़ी हो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तो उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि एक बार जो सिद्धार्थ गौतम है, सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध के लिए मना कर दिया कोलियों से पानी के झगड़े पे, तो जो संघ था, संघ ने उनको दंड दिया और उनको जो कोली है उनके राज्य से बाहर कर दिया। तीन दंड दिए थे जिसमें से उन्होंने वो चुना बाहर निकलने का, यानी देश निकाले का, कबीले के निकाले का। तो ये बात उसमें साहित्य से पता चलती है कि हम लोग समण हैं और हमारा संघ हमारा ही है और संघ हमारी ही प्रॉपर्टी है और हम ही संघी हैं। बाद में कुछ लोगों ने इस संघ को अपने खाते में कर लिया और बुद्ध ने बार बार कहा है संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ की शरण में आओ। तो वो बार बार जो कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, वो हमें बताते हैं कि जो हमारा पुराना समण संघ है वो उस संघ में साथ रहना है। यही बात बाबा साहब ने कही, ऑर्गेनाइज रहना है। ऑर्गेनाइज का मतलब हिंदी में संघ होता है, संगठन नहीं होता। यही बात महापुरुषों ने कही, संगत में रहो, साधु संगत संगति करो, तो हमको संघ में रहना है। तो ये बात दरअसल बाबा साहब ने कही थी, हमको संगठित होना है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि संगठन बनाओ बहुत सारे। जी जी। लोगों ने क्या किए, बहुत सारे संगठन बना दिए और अभी एक संगठन के दो और दो के चार, चार के आठ, के 16, के 32, के 64, ऐसे करते करते 29 लाख संगठन हमारे बन गए जी। और जातियां 6,743 जोड़नी है और संगठन बन गए 29 लाख। अब आप ये बताओ कि हम जातियों से परेशान हैं या संगठनों से परेशान हैं? सही कह रहे हैं। संगठनों की वजह से हमारा जितना भी बाबा साहब अधिकार लाए थे वो सब चला गया जी। तो बहुत सारे लोगों से हमने खुशामद की और सबसे कहा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, मगर उनको वो लोग ना एक मठाधीश टाइप के बन चुके हैं, क्योंकि जैसा मनुस्मृति में है कि भाई जो संगठन है उसका एक प्रधान है, एक राजा है, वो भी ठीक वैसी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं सारे। उनमें कहीं बाबा साहब का जो भारत गणराज्य संघ का जो संघ का नियम है वो कहीं नहीं मिलता, जो हमारे संगठन है। वो संगठन सारे स्वयं शंभू हो गए, उनमें डिक्टेटरशिप हो गई, वो हमसे पैसा लेते हैं मगर काम नहीं कर पाते। और हुआ ये कि उन संगठनों के होने के बावजूद, और हमने उनको बहुत पैसा दिया, बहुत सपोर्ट दिया, फिर भी हमारे सारे अधिकार चले गए। तब हमको ये समझ में आया कि भाई संगठन से बात नहीं बनेगी, संघ से बनेगी। तब ये कंसेप्ट पुराना वाला झाड़ा पोंछा निकाला, जिसकी पैदाइश हमारे महापुरुषों ने की, जो हमारे महापुरुषों ने बनाया, जो बुद्ध से भी पहले हमारे दादा दादी और जो
हमारे परदादा परदादी थी उन्होंने बनाया। तो इसे श्रमण संघ के कुछ नियम है, एक तो इसमें पैसा नहीं लेते क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है जी। दूसरा इसके अंदर सब लोग अपना खर्चा खुद उठाते हैं, अपना खाना लेके आते हैं। तीसरा इसमें कोई नेता नहीं होता व्यक्ति, और चौथा ये कभी राजनीति में नहीं जाता, जिसको जाना है वो इसको छोड़ के जा सकता है। इसमें लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मर जाएं जी जाएं, मगर ये संघ वहीं रह जाता है। इसमें सभी की चलती है, इसमें ग्रुप पूरा का पूरा जो डिसीजन होता है वो ग्रुप में होता है। तो ये इसका फायदा ये है कि एक तो ये हमेशा रहेगा, दूसरा ये बाबा साहब के संविधान के नियम के तहत में चलता है, जो पुराना नियम है बुद्ध से पहले का, और जो बुद्ध ने भी नियम बनाए उसी के तहत में। और हमारा जो नेता है वो है संविधान की विचारधारा, और संविधान में जो लिखा हुआ है वो हमारा नेता है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हुए तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं, और इसकी जो मेंबरशिप है वो यूनिवर्सल होती है। इसके कोई रसीद नहीं कटती, कोई पर्ची नहीं कटती, कभी पैसा कलेक्शन नहीं होता, ना ही समर संघ कभी पैसा पब्लिक से मांगता है, और ना ही कभी पब्लिक से लेगा। जिंदगी में कभी भी समर संघ पैसा लेता ही नहीं है, क्योंकि पहले भी कभी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ इसमें। तो ये इसकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं, और आप जुड़ोगे इसे देखोगे तो अभी कंसेप्ट 9 बजे बताएंगे, और डिटेल में बता देंगे आपको, और लगातार जुड़ते रहेंगे। बाकी वी द पीपल जो चैनल है इसका यूट्यूब चैनल पे, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर। नहीं बस इतना ही था, बस अपना इंट्रोडक्शन देना था तो बस सर, इसके बारे में। आपका फोन नंबर क्या है जी? ये 9818548898। कहाँ रहते हैं आप? करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली में मीटिंग चलती रहती है, आप आइए उसमें। दिल्ली में ना वहाँ हर महीने मीटिंग लगती है यहाँ ना। अच्छा जी। हाँ, और अब एक क्या बोलते हैं शनिवार का एक क्लब भी बनाया है, अभी होंगे वो बताएंगे आपको जी। तनवर जी हैं क्या? सुदेश तनवर जी? जी 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 जी। हाँ सर बताइए जरा, जो आपने क्लब का जो रूपरेखा बताई उसके बारे में बताइए सभी को। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सभी को। हम लोग वी द पीपल के समण संघ की बात कर रहे हैं, और अभी सुधीर जी ने समण संघ के बारे में बताया। हमने विचार किया कि हमारा जो सुबह का जो समय होता है, जिसमें कभी हमारी प्रभात फेरी निकला करती थी, उसी तरह की चीजें लगभग लगभग हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर शनिवार को, जो शनिवार है जो हमारा अपना दिन है, जिस दिन हम लोग उठते बैठते थे, उस दिन को हमने एक शुरुआत करने की कोशिश की है कि हम शनिवार को सुबह 7 से 8 बजे किसी भी पार्क में बैठे बात करें, और वहां स्वास्थ्य और धर्म की चर्चा करें। इसके अलावा और कोई चर्चा उस तरह की उलझुल ना करें। ये एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, और 4 तारीख को जो शनिवार है, इसमें हम लोधी गार्डन में एक शुरुआत करेंगे। जो भी साथी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के आना चाहते हैं वो आए और अपनी बात रखेंगे उसमें हम लोग। ये एक छोटा सा प्रयास है, और यही ही वी द पीपल और समण संघ का हिस्सा है। इस तरह का अभियान आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर चला सकते हैं, जैसे जहाँ जो छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उसमें पार्कों में जिस तरह से लोग बैठते हैं, आपने शायद ध्यान किया होगा कि पार्कों में जिनकी हम लोग बात करते हैं उन्होंने कब्जे कर लिए, एक तरह से देखा होगा आपने। तो हमारा कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने काम में जुट जाएं, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। ये संकल्पना वैसे सुधीर राज सिंह जी की है, और मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा है। हम लोग पहले भी इस तरह का काम करते रहे नहीं, ये जो कल्पना है ना तंवर साहब जी जी जी, ये जो चंकमण करते थे ये बुद्ध करते थे चंकमण, हमारे पूर्वज करते थे चंकमण है ना, ये फेरी जो करते जी, थे जी, जी, ये उन्हीं का है। दरअसल लोगों ने प्रभात फेरी और चंकमण उनसे सीखा है जी। हम तो बड़े नालायक लोग हैं, अपनी प्रॉपर्टियां भूल गए। सुबह को वो प्रभात फेरी करते हैं, बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है, बढ़िया लोगों से मिलना जुलना होता है, 4 काम वैसे हो जाते हैं मिलने जुलने से जी जी जी। तो कहां पहले संडे को कहां आ रहे हो सबको? हम लोग लोधी गार्डन में प्लान किया है। हमने लोधी गार्डन में एक छोटी सी झील है, और झील के पास एक पार्क है जिसे हम गुलाबी पार्क बोलते हैं, मतलब वहाँ गुलाब के पौधे हैं बहुत सारे, वहीं हम लोग मिलेंगे सबको।
चलिए संडे को चाय पिलाओगे? संडे नहीं शनिवार, शुभ शनिवार को चाय पिलाओगे? चाय हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको ग्रीन टी पिलाएंगे सब सबको हम। चलिए ठीक है, वहां मिलते हैं। इसकी इसकी शुरुआत हमने हम पहले करते थे, हम लोग शनिवार को, हम लोग इतवार को मिलते थे वैसे तो, बहुत सारे लोग पार्कों में जाते थे और अपनी बात करते थे और सभी बैठ के फिर चाय पान करते थे। तो ये कोविड के बाद ये मामला बीच में थोड़ा टूट गया था, इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम दोबारा से। आप सब लोग भी कर सकते हो अपने अपने छोटे छोटे शहरों में इस तरह की शुरुआत, ये हम दिल्ली से कर रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है। सुनिए सुनिए, देखिए ऐसा है कि जितने भी लोगों ने, प्रवक्ताओं ने बातें बताई हैं आज तक, उन्होंने आधी बात बताई है। उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो शोषण है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, वो हमें पीट रहे हैं। ये किसी ने नहीं बताया हमको कि हम कभी राजा रहे हैं, अशोक के समय राजा रहे हैं, हम बहुत बड़े जमींदार रहे हैं, हम कभी श्रम करने वाले थे नहीं, हम तो इंडस्ट्री चलाने वाले थे, व्यापारी थे, जीवक के रूप में बहुत बड़े डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो हम अशोक के पत्थरों को लिखा करते थे, पढ़ते भी थे, सारे किसान हम थे और सैनिक भी हम ही थे, सिपाही भी हम ही थे। और ये सारी चीजें जो बुद्ध में आप कह रहे हैं कि बुद्ध का करुणा की वजह से हम हार गए, ऐसा उन लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। बुद्ध ने 11 प्रकार का हथियार बताया हुआ है जिसको सप्तक दंड बोलते हैं, और भिक्खुओं के लिए बोला हुआ है कि अपनी रक्षा के लिए 11 प्रकार के हथियारों को लिखा हुआ है विनय पिटक में, 11 प्रकार का सप्तक दंड बताया हुआ है उस समय। तो बुद्ध ने हथियार भी बताए हैं अपनी रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कहा है कि करुणा, करुणा उन्होंने अपने परिवार, अपने भाई और उन लोगों के लिए बताई है जो करुणा से मैमित है, और जो लोग करुणा नहीं मानते उनके लिए हथियार भी है, पहली बात। अरे मूल बात सुनिए जरा, अरे मूल बात तो ये है, पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। इसके अलावा जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम शराब पीने लगे, हम व्यभिचार, हम पाप करने लगे, हम व्यभिचार करने लगे, हम चोरी करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हम हत्या करने लगे। जो पंचशील बुद्ध ने बताए थे, जब ये पंचशील हमने छोड़ दिए, हमारे लोग आज भी शराब पीते हैं और दोष देते हैं दूसरे को, भाई शराब पीने के लिए आपको कौन कह रहा है, हमारे लोग झूठ बोलते हैं, दोष देते हैं दूसरे को। पंचशील जाने से हमारा धम्म गया है और पंचशील के जाने के बाद में हम बेकार हुए, और ये 500 साल तक हम बहुत बढ़िया थे और हम ही राजा और हम ही शासक रहे हैं पूरे पूरे। दूसरी बात यह है कि शोषण उसका होता है, पिटाई उसकी होती है, जो अलग अलग रहता है। आपकी संख्या 85% है आप जानते हैं, तो आप अलग अलग रहेंगे तो आपकी खूब पिटाई होगी और खूब ठुकाई होगी, और आप इसको ऐसे ही कहते रहना। इसलिए वी द पीपल का जो आप उद्देश्य है वो है इकट्ठे रहने का। आगे अगर कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो बार बार उन्होंने, नरेंद्र जी ने बताया था कि हमको इकट्ठा रहना है, मैंने भी बताया और सब लोग बता भी रहे हैं कि अब हम यहाँ इकट्ठे रहेंगे तो बचेंगे। जो लोग इकट्ठे होते हैं वो लोग दूसरे लोगों को पीटते हैं, जो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। पहले हम इकट्ठे थे तो हम पीटा करते थे, अब हम टूट गए बिखर गए तो हम पिट रहे हैं, हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम पीटने वाले बन जाएंगे। इसमें ये प्राकृतिक नियम है कि जो संगठित रहेगा वो तो पीटेगा ही पीटेगा, और जो संगठित नहीं रहेगा वो तो पिटेगा ही पिटेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती, चाहे इसे आप कहीं भी कोई भी अजमा लें। ये कंसेप्ट है सर इसका। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं।
हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।